यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बॉलीवुड की क्वीन से मशहूर हुई कंगना रनौत का आज 31st बर्थडे है। कंगना रनौत एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने हमेशा बड़े और चैलेंजिंग रोल्स किए, लेकिन देश ने उन्हें गले लगाकर बॉक्स ऑफिस की क्वीन बना दिया। वैसे तो जो भी बॉलीवुड में एंट्री लेता है हमेशा उसका एक कोई ना कोई गॉडफादर तो होता ही है, लेकिन कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिनका कोई भी गॉडफादर नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल से बॉलीवुड में जगह बनाई। आज कंगना रनौत के बर्थडे पर हम आपको उनकी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप बिल्कुल बेखबर हैं, बिल्कुल अनजान हैं। कंगना रनौत की अगर स्टडीज की बात की जाए तो उन्होंने चंडीगढ़ में अपनी स्टडीज की, लेकिन वो हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी, वो कुछ अलग ही ट्रैक पर सोचती थी। इसी के चलते उन्होंने 17 साल की उम्र में दिल्ली आने का प्लान किया और फिर वो अरविंद गौड़ के साथ यहाँ पर आकर स्टेज पर काम करने लगी। अगर कंगना रनौत की पहली फिल्म की बात की जाए जो कि थी गैंगस्टर, तो उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए कम से कम 20 ऑडिशंस दिए और इसमें यह दिलचस्प बात रही कि उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु से मुलाकात एक कैफे में की थी। 2008 में उन्होंने मधुर भंडारकर की फैशन फिल्म की जिससे उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। वैसे तो कंगना के पास 3 नेशनल अवार्ड्स और 4 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अवार्ड्स में जाना पसंद नहीं है। अगर वही कंगना की शूटिंग्स की बात की जाए तो कंगना बहुत ज़्यादा एक पंचुअल पर्सन है, उन्हें कभी भी अपने सेट्स पर लेट जाना पसंद नहीं है। हर बॉलीवुड एक्टर की जिंदगी में कोई ना कोई फ्लॉप फिल्म्स तो रहती ही हैं, तो वैसे ही कंगना की लाइफ में भी फ्लॉप फिल्म्स रही, लेकिन उनके बारे में कंगना का यह कहना है कि उन्होंने यह फिल्म इसलिए की थी क्योंकि वो अपनी EMIs पूरी करना चाहती थी। अगर कंगना रनौत की हॉबीज की बात की जाए तो उन्हें कुकिंग का बहुत शौक है और यहाँ तक कि वो पोएट्रीज भी लिखती हैं और उन्हें रीडिंग का भी बहुत शौक है। जिस तरह कंगना हमेशा से शानदार फिल्में करती आई हैं, उसी तरह उन्होंने अपने इस बर्थडे की शुरुआत भी एक शानदार तरीके से की है। उन्होंने अपने घर के बाहर 31 प्लांट्स लगाए हैं और इसका रीजन ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ के 31 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले कंगना ने मनाली में अपना एक घर खरीदा है और सूत्रों की माने तो हमें ये सुनने में आया है कि कंगना आजकल अपनी फैमिली के साथ ही रह रही हैं। अगर कंगना की फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने कुछ समय पहले ही मणिकर्णिका की शूटिंग पूरी की है और आने वाले समय में वो मेंटल है क्या की फिल्म की शूटिंग करना स्टार्ट कर देंगी। खबरें अभी तक की तरफ से कंगना रनौत को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और हम तो यही आशा करेंगे कि वह अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैंस को हमेशा इसी तरह खुश करती रहें।